नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। एक बार फिर आप सभी लोग का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, एसएससी एमटीएस की आंसर की रिलीज़ हो गई है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज भी किया और एक्चुअल में होंगे भी, जिनको ऐसा लगता है कि जो उन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है वो सही है और आयोग ने उसको गलत कर दिया है। ऐसा हो जाता है, कोई ये बड़ी बात नहीं है आयोग ने किया है। तो उसके लिए आयोग एक आपको मौका देता है कि आप उसके क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हो। अगर आपको जो लगता है कि वो सही है, आपकी तरफ से सही है और उन्होंने गलत कर दिया है, तो उसका एक प्रोसीजर है, वो आपको पूरा मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपने उसमें गलत कर दिया तो वो जो आपने चैलेंज किया है वो पैसा तो आपका साथ में बर्बाद होएगा ही, उसके बाद हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जिस भी क्वेश्चन को आप चैलेंज करने वाले हो, आप किस बेस पर उसको बता रहे हो कि ये सही है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी या किस किस जगह से आप उन फैक्ट्स को ले सकते हो, कौन सी बुक मान्य होंगी, कौन सी साइट्स मान्य होंगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ध्यान से देखिएगा कि अगर आप आयोग के सही क्वेश्चन या आपने आयोग के गलत क्वेश्चंस को आप सही कर रहे हो या फिर आपके जो उन्होंने गलत कर दिया उसको आप चैलेंज कर रहे हो, तो फैक्ट आप कहाँ से लाओगे, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जब ध्यान से वीडियो देखिएगा उसके बाद ही आप इनको भरने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि आपको 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन चालान लगेगा। अगर आपको मान लीजिए लगता है कि आपके 5 क्वेश्चन गलत कर दिए और वो सही होने चाहिए, आप चालान भर दीजिए और आपको 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से 500 रुपये का बैंक चालान आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, या तो फिर नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो देखिए, पूरा तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल का होम पेज खोल लेंगे, वेबसाइट को जाकर, या तो आप डेस्कटॉप पे खोलें, लैपटॉप पे, या फिर एंड्रॉयड में जहाँ कहीं भी आपको सुटेबल लगे वहाँ खोल लीजिए। उसके बाद गूगल के होम पेज में आप टाइप कीजिए सरकारी रिजल्ट। ये सरकारी रिजल्ट की आपकी वेबसाइट खुल गई, यहाँ से हम इसको एक्सेस करेंगे। देखिए नंबर 3rd पे लिखा हुआ एसएससी एमटीएस आंसर की 2019। ऊपर से देखिए, ऊपर से आपका ये दिख रहा है, ये देखिए एसएससी एमटीएस आंसर की आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जाके क्या करेंगे, इधर जाके आप इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, क्लिक करने के बाद में सरकारी रिजल्ट का ये खुलेगा पेज। फिर आप नीचे चलते रहिए और नीचे चलिए आप, ये देखिए सबसे ऊपर आपका लिखा हुआ है डाउनलोड आंसर की। देखिए सबसे ऊपर लिखा है डाउनलोड आंसर की, क्लिक हियर, यहाँ क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आपका ये होम पेज इस टाइप का खुल जाएगा। देखिए, कैंडिडेट लॉगिन, यूज़र आईडी और पासवर्ड। अभी आप क्या करेंगे, अपना यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। ये देखिए मैंने डाल दिया है, उसके बाद इसको लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार की आपको एक विंडो मिलेगी, उसमें ऊपर सबसे पहले निर्देश आएंगे। ध्यान से पढ़िए, अब इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या है, अपनी आपत्तियों को दर्ज करने से पहले कृपया निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। और आपको यहाँ से आंसर की भी अगर आपने निकालनी है अपनी, तो वो भी आपको मिल जाएगी। टैब पे जाके कैसे है वो मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें देखिए, सबसे पहले क्या है कि प्रश्न पत्र व्यू में विकल्प के आगे हरे रंग का सही का निशान लगाकर सही उत्तर चिन्हित किया जाता है। कैसे, सबसे पहले तो ये देखिए, इसको हम क्लोज कर लेंगे यहाँ पर। ये देखिए क्वेश्चन पेपर एंड आंसर है, यहाँ पर आप क्लिक करिए। ये आपका नीचे आएगा, नीचे लिखा आएगा टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर और असेसमेंट एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम, क्लिक हियर टू जनरेट। यहाँ लिखा है, यहाँ पर देखिए ये आपका लिखा हुआ यहाँ पर, क्लिक हियर टू जनरेट लिखा है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर इसको क्लिक जैसे करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा। देखिए ये आपका खुल गया है, फाइंड ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन। ऐसे करके पूरे 1, 2, 3, 4, 5 से ऐसे लेके पूरे के पूरे आपके 100 जो भी हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आपके दिए हुए यहाँ पर। अब इसमें क्या है, देखिए अब इसी ध्यान से देख लीजिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें आप क्या करेंगे कि कैंडिडेट ने, देखिए इस कैंडिडेट ने क्या किया है, क्वेश्चन आईडी पे स्टेटस नॉट आंसर्ड, यानी इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। जैसे क्वेश्चन आपका था कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बास्टिल दिवस मनाया जाता है, आपके 4 आंसर दिए थे, दादरा नगर और हवेली, पुद्दुचेरी, दमनदीप और लक्षद्वीप। उसके अंदर आप ये देखिए सही आंसर इसमें क्या था, जो टिक ये टिक का निशान है ये आयोग ने इसको सही माना, यानी पुद्दुचेरी इसका सही आंसर है। लेकिन कैंडिडेट ने क्या किया, यहाँ पर आप देखिए दोबारा, कैंडिडेट ने क्या किया है कि नॉट आंसर्ड, यानी कैंडिडेट ने इसका आंसर नहीं दिया, इसको ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, ये दूसरा देख लीजिए, जैसे कैंडिडेट ने आंसर इसका दिया है, यहाँ देखिए अभी मैं आपको गलत दिखाता हूँ क्या है कि कोई अगर मान लीजिए इसमें आंसर दें, ये देखिए हाँ, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है। ये क्वेश्चन था, उसमें 4 आंसर आपको दिए थे, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और असम।
लेकिन कैंडिडेट ने क्या आंसर दिया, कैंडिडेट ने आपका आंसर दिया चूजन ऑप्शन थ्री, यानी उस व्यक्ति ने जिस भी कैंडिडेट का ये उसने तीसरा आंसर सिलेक्ट किया, तीसरा था मेघालय, जबकि वो गलत था। आयोग क्या बोला, मणिपुर। आयोग के हिसाब से दूसरा सही है, आयोग ने मणिपुर को बताया है, लेकिन कैंडिडेट ने कौन सा आंसर किया है सिलेक्ट, यहाँ पर तीसरा है, तो इस हिसाब से उसका गलत हो गया। जिसको ड्रॉप दे देते हैं वहाँ पर ये नॉट आंसर लिख किया जाता है इस जगह पे यहाँ पर, और जिसके अंदर अगर कोई ऑप्शन आपने लिया तो उसका जो भी आंसर आपने लिया उसका चूजन ऑप्शन थ्री होता है वो, और यहाँ पर जो सही है वो आयोग जो टिक करके दे रहा है वो सही है, मतलब SSC अपने आंसर की के अंदर बता रहा है कि भाई ये सही है, लेकिन आपने इंडिविजुअल बंदे ने तीसरा आंसर सिलेक्ट किया है जो कि गलत है। तो इस प्रकार से हम पूरे के पूरे अपने देख लेते हैं, जहाँ पर जिस क्वेश्चन के अंदर आपको लगता है तो उस क्वेश्चन के अंदर आप करेंगे। देखिए उसका करने का तरीका कैसा है हम बताते हैं, दोबारा हम देखेंगे उसको। ये हम दोबारा व्यू पे यहाँ पर आ गए, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, हम ऑब्जेक्शन व्यू में जाएंगे। अभी हमने आपका क्वेश्चन पेपर और आंसर पूरा हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके अंदर आपको जो लगता है क्वेश्चन आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है हमारा ये वाला क्वेश्चन गलत है, फिर हम ऑब्जेक्शन व्यू में दोबारा क्लिक करेंगे। देखिए उसको वापस खोलेंगे, दोबारा ऑब्जेक्शन व्यू आपका आ गया, ये आपका क्वेश्चन पेपर एंड आंसर था, यहाँ से हमने अपने आंसर की देखी, यहाँ से हम क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन व्यू लिखा हुआ है। अब ऑब्जेक्शन व्यू में लिखा हुआ तो उसमें नीचे चलते, देखिए ये नीचे क्या लिखा हुआ है, टू डाउनलोड योर क्वेश्चन, ये देखिए ऑब्जेक्शन व्यू में लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन, यहाँ पर क्लिक हियर में क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर इंडिविजुअल बंदे का ये ऑलरेडी हुआ है कि इसमें आप देखिए क्वेश्चन आईडी इतने इतने 9 अगस्त चार शिफ्ट हैज़ ऑलरेडी फॉर रिव्यू, इन्होंने ये पुटअप कर दिया। अब इसका चालान नहीं किया, 100 रुपीज़ पर चालान, तो चालान के लिए लास्ट में आपको क्या आएगा, क्लिक हियर, जैसे आप उसमें क्लिक सिलेक्ट आप कर दोगे अपना कि ठीक है मुझे ये वाला क्वेश्चन है इसको चैलेंज करना है, तो उसके बाद फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड का बटन आएगा दिखाने के बाद में, फिर जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको लिखा है कि यू विल बी रिडायरेक्ट टू पेमेंट गेटवे आफ्टर प्रोसीडिंग, जैसे आप करोगे तो पेमेंट, जैसे आप इस पर क्लिक करिए, आप मान लीजिए क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे में भेज देगा, नेट बैंकिंग से आप कार्ड से पेमेंट करना चाहें अदर पेमेंट मोड जो भी ना करके वहां से आप उसको पेमेंट कर देंगे, जब ये पेमेंट आप उसको कर देंगे तो ही आपकी फुलफिल मानी जाएगी। अब इसमें ध्यान क्या क्या देने वाली बातें हैं, देखिए ये तो प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, ध्यान ये देने वाली बातें हैं, आप कोई भी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो तो उसके लिए फैक्ट, यानी उसके लिए ये कहाँ से लाओगे, किस बेस पे चैलेंज करोगे। मान लीजिए आपने बताया कि भाई 2 + 2 = 4 होते हैं, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 2 + 2 = 4 होते हैं, आयोग बोलता नहीं 5 होते हैं, अब आप क्या करोगे कि वैसे होता नहीं लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, तो अब आप क्या बोलोगे कि भाई कहाँ से आप प्रूफ लाओगे, वो मेन प्रूफ है कि भाई कैसे आप प्रूफ करोगे 2 + 2 = 4 होते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ों में रेस्ट्रिक्शन है, जैसे आप विकीपीडिया होती है, yahoo.com है, quora.com है या गूगल है, यहाँ से कोई भी मटेरियल आप सर्च करके इसका रेफरेंस नहीं दे सकते हो। यानी अगर आप बोल दो कि नहीं भाई हमारा ये क्वेश्चन सही है, विकीपीडिया में ऐसा लिखा है, गूगल में हम सर्च करते हैं तो ऐसा लिखा है, या आपका याहू में सर्च करते हैं तो ऐसा लिखा है, या आपका bing.com आता है इसमें हम सर्च करते हैं तो ऐसा लिखा है आता है, तो वो मान्य आपका नहीं होगा, यानी वो रेफरेंस आपका मान्य नहीं होगा, इस चीज़ पर बहुत ध्यान रखिएगा। फिर आपका मान्य क्या होगा, बुक्स, ठीक है, या फिर सरकारी वेबसाइट हैं, जैसे जो वेबसाइट है जिनके लास्ट में ORG होता है, जिसके लास्ट में NIC होता है, जिसके लास्ट में IN होता है, और सरकारी वेबसाइट हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की, शिक्षा विभाग की, इस टाइप की जो सरकारी वेबसाइटें होती वहाँ पर अगर वो कंटेंट आपका दिया हुआ तो उस कंटेंट का रेफरेंस लेके आप चैलेंज कर सकते हो कि नहीं भाई देखो ये सरकारी वेबसाइट में लिखा है तो हम सही हैं, बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट जो वेबसाइट होती है ना, GOVT गवर्नमेंट, और आपकी वेबसाइट होगी उसका जो कंटेंट आपका होगा वो आपका मान्य होगा, आपका किसी भी हिसाब से आप अगर बोलें आपका सबसे पहले विकीपीडिया आपका होगा, आपका गूगल हो गया, आपका याहू हो गया, इन चीज़ों की बिल्कुल इनका रेफरेंस आप नहीं दे सकते हैं, ये मान्य नहीं होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रेफरेंस एक बार आपने अगर चैलेंज कर दिया तो उसको बदला नहीं जा सकता दोबारा, आप सोचें कि नहीं हमने एक बार चैलेंज कर दिया है तो उसको हम दोबारा चलिए ठीक है फिर रिव्यू कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता, पेमेंट प्रोसीजर के बाद में दोबारा आप उसको रिव्यू नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि इस चीज़ को चैलेंज करने से पहले, प्लीज़ चैलेंज करने से पहले अच्छी तरीके समझ लें, बगैर उस पर गलती पर चैलेंज मत करें। और ऐसा होता है कई कई बार जब आयोग आपको फाइनल आंसर की जारी करेगा तो आप देख लीजिएगा उसके अंदर करेक्शन होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी जो क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं किसी न किसी संस्था को दिए जाते हैं, वो संस्था थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गलत हो सकता है, और कई बार रीजनिंग में मोस्ट ऑफ ऐसा होता है। देखिए कुछ फिक्स चीज़ें जैसे मान लीजिए GK हो, GS हो, उसमें गलती की संभावना बहुत कम होती है, संभावना किसमें होती है, रीजनिंग में हो गई, आपकी मैथ में हो गई। क्या होता है कि रीजनिंग में एक आंसर कई टाइप से निकल सकता है, लॉजिक लगाना पड़ता है, लॉजिक एक आंसर कई टाइप से निकल सकता है, तो उसमें आपको अगर अपना लॉजिक अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मेरा ये लॉजिक काफ़ी ज़्यादा
सही है, तो आप उसको दिखा सकते हैं और वो मान भी हो जाता है। मैंने कई बार ऐसा देखा कि रीजनिंग के अंदर दो दो तीन तीन क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो सही हो जाते हैं, क्योंकि आयोग हो सकता है या फिर कोई आंसर रीजनिंग में कई टाइप से निकल सकते हैं। बस ये है कि आप अपना जो लॉजिक लगा रहे हैं वो कितना प्रभावशाली लॉजिक है, आप उसको डिफाइन करके बताएंगे तो वो मान लिया जाएगा। तथ्यों और तर्कों को जो भी आप बताते हो, जो प्रूफ बताते हैं करके, वो थोड़ा सा विश्वसनीय संस्था से लीजिएगा तो ही आपके मान्य होंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है कि कैसे आप अपना चालान भर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ ज़रूर भरिए। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा डाउट होता है कि नहीं यार इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा डाउट है वैसा डाउट है, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा पूरी जहाँ तक मैं कर सकता हूँ। और दूसरा, मैंने आपको ये बताया था कि मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप मुझे, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे अभी ग्रुप डी और NTPC का एग्ज़ाम आ रहा करके, तो उसके लिए आपका रीजनिंग, GK और मैथ, इन तीनों की आपकी प्रिपरेशन शुरू कर देता हूँ। तो जो SSC MTS के आपके क्वेश्चन पेपर आए थे, बिल्कुल ये लेटेस्ट आए थे, इन्हीं पैटर्न के ऊपर ही आपकी GK आएगी, GS आएगी और रीजनिंग आएगी डेफिनेटली, और मैथ आएगी। तो आप इनकी जो आपने जो अभी PDF है, वो PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि 11 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद से लिंक आपकी डिसेबल हो जाएगी और आप PDF को आप दोबारा डाउनलोड नहीं कर पाओगे। उस PDF को आप मेरे को भेज सकते हैं, मैंने मेल आपको ID दे दी है, आप देखिए। जो उसके पहले मैंने आंसर की आपकी बनाई थी, आंसर जो आपकी कट ऑफ निकाली थी, उसके अंदर पिंड किया उसमें CC कस्टमर केयर CC onlinegurukul@gmail.com, ये मेरा मेल आईडी है, यहाँ पर आप भेज दीजिए। तो जैसे आपके 39 के 39 सेट हो जाएं, क्योंकि 39 शिफ्ट में पेपर हुआ था, फिर मैं आपको प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कर दूंगा। तो ग्रुप डी और आगे NTPC उसमें बहुत आपकी मदद मिल जाएगी, क्योंकि देखिए आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, आपके पास केवल आपके सेट का पूरा पेपर है, लेकिन आपके पास दूसरों के सेट का पूरा एक पेपर नहीं है। वो अगर आप मेरी हेल्प करोगे, आप सब लोग मुझे भेजोगे, तो मैं 39 सेट बना के आपकी कर दूंगा, बहुत सारी हेल्प मिलेगी। लास्ट ईयर देखिए प्रिपरेशन जो हुई थी, उसमें से जिसको पुराने लास्ट ईयर के पेपर कराए गए थे, उसमें से करीबन 70 से लेकर 75% लोगों को हेल्प मिली थी। उनको पैटर्न पता लग गया था कि नया पैटर्न से किस हिसाब से आ रहा है, क्योंकि जैसे इस बार TCS ने ऑर्गेनाइज कराया था, TCS काफ़ी सख्त ऑर्गेनाइज कराता है, तो उसका पैटर्न पता लग जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए। और साथ ही साथ कई लोगों ने बोला था Tier 2 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पर आइए, तो डेफिनेटली मैं वो भी आपको कराऊंगा। अभी एक दो दिन में मैं उसके वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, कैसे आप लेटर राइटिंग लिखें, कैसे आप ऐसे लिखें, लेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ऐसे, कौन सा आसान है, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो मिलेंगी, बने रहिए। उसके बाद में मैंने फिर आपको बोल रहा हूँ, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं डेफिनेटली आपको उसकी मदद करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।